जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की था T1 पाउडर और कलर अगरबत्ती बनाने के प्रोसेस के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जो है जानेंगे कि प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें किस किस रेशियो में कैसा कैसा जो है प्रीमिक्स अपने को तैयार करना होता है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ पाउडर्स जो है दिखा देता हूं, जैसा कि ये है T1 पाउडर, इसका प्रोसेस और कुछ कुछ चीज़ें जो है मैंने कलर अगरबत्ती जो प्रोसेस बताया था फॉर्मूलेशन, उस वीडियो में मैंने प्रोसेस बताया हुआ है पूरा T1 पाउडर के बारे में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। और ये पूरी फाइन जो है पाउडर है, काफ़ी अच्छी है क्वालिटी इसकी। और आपको बैग में दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पाउडर जो है आता है। आपको दिखेगा कि ये बड़ा सा T1 जो है लिखा होता है, उल्टा वन आप देख सकते हैं, तो इसको ही T1 जो है बोला जाता है। और नीचे आप देखोगे तो मेड बाई वियतनाम करके इस बैग में जो है लिखा होता है। तो आप कहीं से भी परचेस करें तो ये चीज़ देख के ही परचेस करें। और सेकंड चीज़ है हमारा ग्वार गम पाउडर, जैसा कि देख पा रहे हो ये ग्वार गम जो है पाउडर है, वाइट पाउडर बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। और ज़्यादातर जो है कलर अगरबत्ती बनाने के लिए वाइट पाउडर का ही यूज़ करते हैं, तो आज हम भी वाइट पाउडर का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारा जोस पाउडर, और जोस पाउडर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, और आज के इस फॉर्मूलेशन में हम जोस पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कलर अगरबत्ती, तो कलर अगरबत्ती में वाइट पाउडर का यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है, और जोस पाउडर यूज़ करने से थोड़ा इसकी कलर की जो है क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो वाइट पाउडर का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारा कलर, और ये कुछ कलर्स मैं रखा हुआ हूँ, और इसे आप दो तरीके से आप इसको नाम लेके खरीद सकते हो। एक तो इसे पिगमेंट कलर के नाम से जानते हैं, और पिगमेंट कलर कई लोग जो है नहीं समझ पाते, तो आप पक्का कलर जो होता है, पक्का कलर होली वगैरह में यूज़ होता है, वही कलर जो है अपने आप देखे होंगे कि स्टिक में जो कलर होती है, बस वही कलर का प्रोसेस इसमें होगा। और ये येलो कलर है, और उसके बाद ऑरेंज कलर, और ये है हमारे पास पिंक कलर। सब डिब्बे में पैक करके रख लिया हूँ, ताकि अभी बारिश में एक्चुअल में क्या होता है कि थोड़ी नमी होने के बाद ये आपस में गांठ बनने लग जाती है, मतलब जमने लग जाती है, इसलिए आप कोई भी पाउडर रखें तो खुले में ना रखें, उसे किसी बैग में या फिर किसी डिब्बे में ही बंद करके रखें। तो ये सारे कलर्स हो गए, और उसके बाद ये है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, इसके बारे में मैंने आगे और कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो पोटेशियम नाइट्रेट बर्निंग के लिए जो है यूज़ होता है, और ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो प्रीमिक्स बनाने के लिए हमने रख ली हैं। अब ये प्रोसेस मैं आपको पूरा बताता हूँ कि आपको किस किस रेशियो में कैसे कैसे जो है पाउडर का यूज़ करना है, पानी का यूज़ करना है, और जो है प्रीमिक्स कलर प्रीमिक्स आपको तैयार करनी है। तो प्रोसेस आप पूरा देखते जाइए। सबसे पहले हमें लेना है T1 पाउडर, अभी हम T1 पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। 1 kg के अंदर ये पूरा प्रोसेस आज मैं करने वाला हूँ। ये हमारा 1 kg जो है T1 पाउडर एड हो गया, और उसके बाद जो है हमें ग्वार गम जो है डालना है, वाइट पाउडर, और इसे हम मिनिमम 110 ग्राम के अंदर हम देंगे 1 kg रेशियो के अंदर। और अभी जो है खाली कलर अगरबत्ती का प्रोसेस है, इसलिए हम जो है ग्वार गम का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप खाली नेचुरल में बनाते हो, ब्राउन अगरबत्ती बनाते हो, तो जो से बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कलर के लिए ग्वार गम का यूज़ करें, वाइट पाउडर का। तो एवरेज हम 110 जो है ग्राम इसमें डालते हैं, इसमें इनका कॉन्सेंट्रेट काफ़ी अच्छा रहेगा 110 ग्राम डालने से। ये हो गया हमारा 110 ग्राम। और एक चीज़ इसमें यूज़ करने का था, वो है कूपम पाउडर। कूपम पाउडर आप जो है ब्राउन अगरबत्ती में यूज़ करें, उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी फिलहाल इसे मिक्स करके रख देते हैं। और
अब पाउडर मिक्सिंग हो जाने के बाद आपको जो है कलर इसमें ऐड करनी है। 1 kg के अंदर आपको 20 ग्राम इसको देना है। और ये है पिंक कलर। पिंक कलर में आज जो है अगरबत्ती हम तैयार करेंगे, तो इस टाइप से होती है आपकी पिगमेंट जो कलर होती है, पक्की कलर। और इसको आपको कभी भी पानी से मिक्स नहीं करना है। ये पाउडर के साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन इसका पाउडर के साथ में होता है, तो इसको आप पाउडर के साथ में ही मिक्स करें 20 ग्राम, ताकि कलर जो है काफ़ी स्ट्रांग हो। अगर पानी से मिक्स करके बनाओगे तो कलर उसमें लाइट नहीं आएगी उसमें। तो ये हम 20 ग्राम ऐड कर देते हैं। कलर डालने के बाद आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये प्रोसेस हमारा अच्छे से हो चुका है मिक्सिंग का। अब लास्ट प्रोसीजर हमारा पानी डालने का है। उसके बाद हमारा प्रोसेस है पानी डालने का। और पानी डालने के लिए आपको कुछ इस टाइप के डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 1 kg के अंदर या फिर 1 लीटर के अंदर ये होना चाहिए। और ये डिस्टेंपर वगैरह या कुछ पेंट के डिब्बे का आप यूज़ कर सकते हैं। और पानी आपको लेना होगा 800 ग्राम, मतलब 800 ग्राम के आसपास आपको पानी लेना होगा। और इसके साथ आपको डालना होगा पोटेशियम नाइट्रेट। एवरेज आपको 30 से 40 ग्राम मतलब 30 से 40 ग्राम आपको पोटेशियम पाउडर डालना होगा। और इसको भी प्रीमिक्स में मिक्स नहीं करना है, आपको पानी के साथ यूज़ करना है। अब देखिए ये कैसे आपस में घुल जाएंगे पानी में मिलने के बाद। घुल जाने के बाद आप पानी इसमें पाउडर में ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद आप देखिए कलर, पाउडर का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ये मिक्सिंग के प्रोसेस में उतना ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा। ये जब आपका बॉकेट, मशीन के बॉकेट में जब आप डालोगे, जब वो रनिंग करेगी, तब इसका कलर जो है पूरी की पूरी वाइट का है। तो कलर जो ऐड करोगे उसी कलर में ये आ जाएगा। और अभी देखो पाउडर्स में तो कलर नहीं आया, लेकिन हाथ में पूरी तरीके से कलर जो है लग गया। तो जब भी आप कलर प्रीमिक्स बनाएं तो हाथ में ग्लव्स वगैरह जरूर लगा लें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा हाथ पहले से कलर था, तो मैं आज अभी ऐसे ही तैयार जो है कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम जानते हैं कि मशीन में चलाने का प्रोसेस इसमें क्या होगा और किस तरीके से जो है हमारी कलर अगरबत्ती तैयार होगी। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए और मशीन में आपको प्रोसेस जो है दिखाता हूँ। फिलहाल जो हमारा प्रीमिक्स है वो पूरा रेडी हो चुका है, तो चलते हैं मशीन की तरफ। उसके बाद हमारा मशीन में बनाने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसमें जो है ऑरेंज अगरबत्ती बन रही थी, और अभी हम बनाएंगे इसमें पिंक। से पहले स्विच वगैरह जो है स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है पाउडर हम डाल लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, जैसा कि देख रहे हो अभी ये पिंक है, और आपको अभी लाइट ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हाथ से जो है प्रॉपर मिक्स नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो प्रीमिक्स पाउडर डालना है मशीन चालू करके, और उसके बाद आपको डाई जो है खोल लेनी है। और डाई खोलने के बाद आपको जो है थोड़ी सी रनिंग करनी है। उसके बाद आप देखिए इसमें कलर जो है चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए रनिंग होने के बाद ये जो है मिक्सिंग इसमें प्रॉपर हो जाता है। अभी देखिए पूरा पिंक शेप में आ गया, ये जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये पूरी की पूरी पिंक जो है हो गई है। तो वैसा ही कीजिए आप, थोड़ा सा बॉकेट में डाल लीजिए और डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कीजिए मशीन से। अब इसमें डाई वगैरह का सेटिंग करके जो है बना के आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको 2.9 या फिर 3 की डाई जो है यूज़ करनी है। और डाई जो है आप अच्छे से पहले साफ कर लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर इस तरह का जो है आपका जो है मटेरियल इसमें आएगा। इस तरह की जो है पत्ती की सेटिंग होनी चाहिए
जो साइज़ आपको दिख रहा होगा, शायद वीडियो में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन 2 से 3 mm होनी चाहिए। उसके बाद आप इसका कलर देखिए, शायद वीडियो में आपको थोड़ा सा चेंज लगे, लेकिन ये पिंक के जैसे है, पूरा पिंक ही कलर है, मतलब इतना लाइटेड कलर जो है बन के निकला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कलर अगरबत्ती मेकिंग प्रोसेस का ये फॉर्मूलेशन और प्रीमिक्स मिक्सिंग प्रोसेस। तो मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।